हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु, मैं जितेंद्र। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट ग्रीन 350 के बारे में एंड 16 लीगल एग्जॉस्ट जो रॉयल एनफील्ड लॉन्च करने वाला था क्लासिक के लिए। इन दोनों के लिए ना बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दोस्तों पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट ग्रीन कलर के ऊपर, जो कि स्टैंडर्ड में दोस्तों लॉन्च किया जाने वाला था, बट उसका प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप किया गया था। एंड इसके बाद ये मॉडल आएगा नहीं आएगा, इसको लेके बहुत सारे लोगों को डाउट एंड क्वेरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में वही पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि दोस्तों 500cc जब फॉरेस्ट ग्रीन जब बंद हुई थी, तो रॉयल एनफील्ड ने प्लान किया हुआ था कि उसको लॉन्च करेंगे 350cc में। जैसे कि क्रोम आपने देखा होगा, क्लासिक में क्रोम आया था, स्टेल्थ ब्लैक था, ये सब 500cc में आपको मिलता था। एंड जैसे ही हमने रॉयल एनफील्ड ने 500cc बंद किया, तो वो सारे कलर्स जो हैं वो आपको 350cc मिलने लगे। तो दोस्तों वैसे ही स्टैंडर्ड में भी दोस्तों आपको ब्लैक एंड फॉरेस्ट ग्रीन मिलने वाला था, एंड उसका प्राइस लिस्ट जो था वो भी डिक्लेयर हुआ था। मैंने कई सारे प्राइस लिस्ट जो थे वो इसके कवर भी किए हुए थे। एंड ये जो प्राइस लिस्ट है ना दोस्तों, अक्टूबर तक देखने को मिल रहा था कि प्राइजेस आ रहे हैं फॉरेस्ट ग्रीन के, मतलब मॉडल आने के फिर भी चांसेस थे, बट अब जो है वो प्राइजेस भी नहीं आ रहे हैं। इट मीन्स जो है मॉडल जो है टोटली अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, मतलब बनाया ही नहीं गया, प्रोडक्शन में लिया ही नहीं गया है। तो पहले जो प्लान 350cc में फॉरेस्ट ग्रीन आने का था ना, वो अब नहीं है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो चुका होगा। इसका रीज़न आपको छोटा सा बता देता हूँ कि प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है दोस्तों, हर एक कंपनी की एक प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। अब मानिए अगर 1000 पीस बना सकते हैं, तो 1000 पीस में ही मीटियोर को बनाना है, फिर क्लासिक को भी बनाना है, फिर स्टैंडर्ड को बनाना है, फिर इलेक्ट्रा को बनाना है, इंटरसेप्टर को बनाना है, ये सब चीज़ें ना उसी चीज़ में बनाना पड़ता है। तो ऑब्वियसली बात है कुछ मॉडल्स जो है डिसकंटिन्यू करने पड़ते हैं, इसलिए 500cc निकाल दिया गया है। क्लासिक के भी कुछ कलर जो है वो निकाल दिए गए हैं, इलेक्ट्रा जो था उसके कुछ कलर निकाल दिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें ना मॉडिफिकेशन चेंज चल रहा है। जो हायर सेलिंग है ना, मतलब जैसे आप क्लासिक में देखोगे तो बहुत सारे कलर ऑप्शन हैं, स्टैंडर्ड में भी जो कलर चल रहे हैं वही हैं, इलेक्ट्रा में जो कलर चल रहे हैं वही हैं, तो वही सब चीज़ें रखी जा रही हैं। अभी नया एड ऑन जो है वो पुराने बाइक्स में जो है वो नहीं किया जा रहा है। अभी आपको जो नया एड ऑन है ना वो नए बाइक्स में देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब जानते हैं 16 लीगल एग्जॉस्ट के बारे में। दो दोस्तों 16 लीगल एग्जॉस्ट थे वो भी आने वाले थे क्लासिक मॉडल के लिए, एंड वो भी अभी तक जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये सेम जो एग्जॉस्ट है वो मीटियोर में देखने को मिल रहा है। मीटियोर में जो 16 एग्जॉस्ट है वो दिया गया है। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जो ये 16 एग्जॉस्ट है वो क्लासिक के लिए भी आने वाला है क्या, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये बनाया गया था तो ये क्लासिक के लिए बनाया गया था, एंड अब जो है ये मॉडल जो है आपको सिर्फ मीटियोर में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मेन रीज़न इसका ये है कि दोस्तों जो BS6 के कंप्लाइंस है ना दोस्तों, जो नॉर्म्स हैं BS6 के, उसके अंडर में ये जो है साइलेंसर क्वालिफाइड नहीं हो रहा था उस, क्योंकि आपको मालूम है ये साइलेंसर जो है वो ऑलमोस्ट फ्री फ्लो है, बीच में एक हल्का सा छोटा सा फिल्टर ऑब्स्टिकल दे रखा हुआ है, एंड पूरा साइलेंसर जो है आर पार दिखता है, खाली है। तो ये साइलेंसर जो है थोड़ा लाउड हो रहा था, एक तो DB भी हाई था, प्लस जो BS6 के नॉर्म है जो साउंड होना चाहिए, जो बोलते हैं ना नॉन टॉक्सिक गैस को बना के आगे थ्रो करना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर नहीं हो रही थी। तो इसके वजह से जो है ये BS6 में मैच नहीं कर रहा था, इसको चेंज करना पड़ा, एंड इसको जो था फिर मीटियोर में दिया गया, क्योंकि क्लैंप आपको मालूम है इसके अंदर यूनिवर्सल टाइप का क्लैंप आता था, तो थोड़े बहुत छोटे मोटे मॉडिफिकेशन करके ये जो है एग्जॉस्ट जो है मीटियोर में दिया गया, एंड अब जो है ये क्लासिक में नहीं आने वाला है। खासतौर से BS6 में तो आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग का प्लान था, ट्राई भी किया गया था, बट ये बात होगी कुछ आई थिंक नवंबर दिसंबर के आसपास की 2019 के बाद में, जब 2020 में जब BS6 टोटली फुल फ्लेज में स्टार्ट हुआ, तो ये मॉडल जो है क्लासिक के लिए देखने बंद हो गए। अभी भी अगर होगा तो किसी शोरूम के पास ओल्ड स्टॉक होगा, अदरवाइज कंपनी ने टोटली कह दिया है कि ये जो एग्जॉस्ट है वो BS6 के लिए नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये थे दो अपडेट जो आप लोगों को मैं देना चाहता था, क्योंकि इसके लिए क्वेश्चंस आ रहे थे कि 16 एग्जॉस्ट कब आएंगे, ये फॉरेस्ट ग्रीन कलर है कब आएंगे। तो दोस्तों फॉरेस्ट ग्रीन का तो आपको आइडिया हो जाएगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी उसके पीछे रीज़न है, नए नए मॉडल्स आने हैं, नई लाइन खड़ी करनी है, तो थोड़े बहुत जो पुरानी चीज़ें हैं वो छाटनी पड़ेंगी, अलग करनी पड़ेंगी, तो वो सारे रीज़न है। 16 एग्जॉस्ट जो था वो मीटियोर में आ गए, मीटियोर के लिए भी यूज़ किए जाएंगे, एंड क्लासिक नेक्स्ट जन जो आने वाली है उसमें भी ये जो एग्जॉस्ट हैं वो सेम फिट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें पी शूटर जो है देखने को मिल रहा है। दोस्तों आई होप आपको मैक्सिमम डिटेल मिल चुकी होगी। यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए बुलेट गुरु, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और अपडेट जो आपके लिए आते रहेंगे। बाय।